नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए सामा के चावल से बेस पुलाव। हम पुलाव बनाना शुरू करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये बेस पुलाव व्रत में खाने वाला आपको कैसा लगा। सामा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हमने एक छोटा बाउल ये वाला सामा के चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ये 2 गिलास पानी डाल दिया है। चावल भीग गए हैं, अब हम इनको चलने में निकाल देंगे। अब ये चावल हम कढ़ाई में डाल के इसको बॉईल करेंगे 80%। चावल हमारे कुक हो गए हैं, देखिए 80% तक ये पक गए हैं। हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से चेक करना, तो ऐसे चम्मच में निकाल के 1-2 मिनट उसके बाद ही आप हाथ लगाएं, ये ठंडा हो जाता है। देखिए 80% कुक हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इनको एक चलनी में छान लेंगे। इसका सारा पानी इस चलनी में आ गया है, चलनी से नीचे निकल गया है। एक बाउल में 2 गिलास पानी डाल के ठंडा पानी चावल मैंने उसमें डाल दिए हैं। ठंडे पानी में डालने से चावल ज्यादा कुक नहीं होंगे, एक एक दाना इसका अलग रहेगा। अब पानी हम छान लेंगे। पानी छान के हमने चावल चलनी में निकाल लिए हैं, इनको हम एक प्लेट में डालेंगे। चावलों को एक प्लेट में डाल देंगे और रख देंगे, इससे ये खिले खिले बनेंगे। सामा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हम 1 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, घी गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भुन गया, अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, पनीर डालेंगे बारीक कटा हुआ, उबले आलू छोटे टुकड़े इस तरह के पीसेस ये डाले हैं मैंने, काली मिर्च, 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें सामा के चावल डाल देंगे। इनको भगर के चावल भी कहा जाता है, छोटा मिलेट भी कहा जाता है, इनको व्रत में खाने वाले चावल भी कहा जाता है। सामा के चावल व्रत में खाए जाते हैं। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। व्रत का पुलाव तैयार हो गया है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ करके और अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा पुलाव बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको हमारी ये व्रत की रेसिपी कैसी लगी। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, रेगुलर वे में भी खा सकते हैं, नाश्ता बनाकर सुबह।